किसी के धोखे में जीने से अच्छा है कि आप अकेले ही सुकून से जियो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं, तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पे जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहाँ कातिल को मदद मिलती है। अगर इस दौर में जीना है तो हंगामा मचा दो। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वो अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी सवर जाती है। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीख लो। मोहब्बत और नफरत कहने के तो दो मामूली शब्द हैं, पर यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं।